सेज इंडिया क्वीन ऑफ सबस्टेस की प्रेस्टिजियस टाइटल विजेता चंडीगढ़ की आशिया सहोता ने मिसेज साउथ पैसिफिक यूनिवर्स 2023 की प्रतियोगिता का खिताब जीता। प्रतियोगिता का आयोजन हांगकांग में हुआ। इसमें कई देशों से प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। मिसेज यूनिवर्स इंडिपेंडेंट व मिसेज साउथ पैसिफिक यूनिवर्स का खिताब आशिया सहोता ने अपने नाम किया। इस दौरान दिल्ली एयरपोर्ट पर आशिया सहोता का बड़ी धूमधाम से शानदार स्वागत किया गया। सो आई एम आशिया सहोता, आई एम मिसेज इंडिया 2023 एंड आई रिप्रेजेंटेड माय कंट्री एंड मिसेज यूनिवर्स व्हिच हैपेंड इन फिलीपींस फ्रॉम 1st अक्टूबर टू 9th अक्टूबर and I became Mrs. Universe 2023 South Pacific Asia and also I won the subtitle Mrs. Universe Independent Woman. So this is what my introduction is today. Ritika ma'am ka bahut support raha hai. MIQS ke wajah se hi main yahan tak pahunchi hu, because you need good and authentic organization who helps you out to be Mrs. India and then to represent your country. So that is one of the best. Nothing like that. Always Asha se umeed rahi kyunki bahut hi confident hai Asha aur bahut zyada energetic Asha ki matlab dedicated bahut hai aur is cheez ke liye ye shuru se hi isne mind prepare kiya hua tha ki maine Mrs. India jeetna hai, Mrs. India ke baad Mrs. Universe Asia Pacific jeetna hai, isliye she is a very dedicated, to jeetna hi tha isne Asha ne. हाँ जी, आशिया के ऊपर बहुत ही ज़्यादा हमें उम्मीदें थी और ये बचपन से ही जो भी चीज़ करना चाहती है उसको करके ही छोड़ती है और हमें पक्का लगता था कि ये जीत के आएगी और खुदा का हम बहुत ज़्यादा धन्यवाद करते हैं कि खुदा सफ़र में इनके साथ साथ रहा और सफ़र में इनको सही सलामत लेके गया, सही सलामत लेके आया। खुशी तो बहुत है और हम तो स्टार्टिंग से ही हर एक इवेंट में और हर एक जगह पे साथ रहे हैं, मिसेज इंडिया में भी और मिसेज यूनिवर्स में भी अभी साथ होकर आए हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत कंट्रीज़ के लोगों से मिले, बहुत कुछ सीखने को मिला और दुनिया में जो प्यार है वो एक दूसरे के साथ बांटा और अपने देश को इतने आगे रिप्रेजेंट करा, उसकी बहुत खुशी है। इस जीत का श्रेय आशिया सहोता ने मिसेज इंडिया क्वीन ऑफ सबस्टेस की डायरेक्टर रितिका विनय को दिया। इस दौरान उन्होंने दिल्ली एयरपोर्ट पर अपने परिवार के साथ राष्ट्रीय तिरंगा भी लहराया।